गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नेम ऑफ चैप्टर इज एनिमल्स, एनिमल वर्ल्ड चैप्टर 8। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उस चैप्टर को, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस में फीडिंग हैबिट के आधार पर 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो हर्बीवोरस, सम एनिमल्स लाइक गॉड, काउ, एलिफेंट, हॉर्स ईट ओनली प्लांट्स, ये केवल पौधे खाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हर्बीवोरस। दे हैव, उनके दांत कैसे होते हैं, शार्प, आगे का फ्रंट का दांत शार्प होता है ताकि वे लोग बीट कर सके, और आगे का दांत जो बोर्ड टीथ होता है जो कि उन्हें प्लांट्स को चेव करने में हेल्प करता है। कार्निवोरस, कार्निवोरस में लाइक एनिमल्स, टाइगर, पोलर बियर, दे ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, सो इट कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल, सो इसलिए इन्हें कार्निवोरस एनिमल कहा जाता है। कार्निवोरस एनिमल्स के टीथ जो होते हैं वो शार्प, पॉइंटेड और कर्व्ड होते हैं ताकि वे फ्लैश को क्या कर सके, काट सके। दे ऑल्सो हैव लॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू चेयर द फ्लैश ऑफ एंड बोन्स, और उनके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जो कि उनके फ्लैश को, मांस को और बोन्स को छबाने में मदद करते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक बर्ड्स में भी फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, जैसे ईगल, काइट, वल्चर, ये सब मांस खाते हैं। तो इनके ब्रीक जो होते हैं, चोंच जो होते हैं, वे हुक्ड होते हैं, शार्प हुक्ड होते हैं, और क्लेव जो होते हैं वह कैच देयर पेयर्स एंड टीयर्स फ्लैश, और उनके चेयर जो होते हैं वह शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। ऑल काइंड ऑफ स्नैक्स आर कार्निवोरस एनिमल, और जितने भी सांप हैं वो कार्निवोरस एनिमल्स के ग्रुप में आते हैं। दे मोस्टली फीड ऑन, ये क्या क्या खाते हैं, तो फ्रॉग, रैट, माइस, लिजर्ड, इटीसी। दे डू नॉट हैव टीथ, उनके दांत नहीं होते हैं, वे क्या करते हैं, स्लो करते हैं, अपने फूड को निगल जाते हैं, और इसलिए, और वे चबाते नहीं इसलिए उनके दांत नहीं होते हैं। कुछ फिश जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, वे उनके शार्प टीथ होते हैं एंड फीड ऑफ अदर फिश, जो कि दूसरी छोटी मछलियों को खाती हैं। ओमनिवोरस एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो एनिमल, प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं उन्हें ओमनिवोरस कहा जाता है। लाइक बियर, क्रो, स्पायरल्स, ये सभी ओमनिवोरस के एग्जाम्पल्स हैं। द टीथ ऑफ ओमनिवोरस, इनके टीथ जो होते हैं वो मॉडिफाइड टू एबल देम टू ईट, दोनों खाने के लायक होते हैं, जो कि प्लांट और मीट दोनों खा सके। आगे है मूवमेंट ऑफ एनिमल इन एनिमल, तो एनिमल्स नीड टू मूव इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फूड टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ एंड देयर बेबीज फ्रॉम बिगिन हंटेड एंड टू बिल्ड देयर नेस्ट। एनिमल को एक भोजन की खोज के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता है, अपनी रक्षा के लिए, अपने बेबी की रक्षा के लिए, घोंसला बनाने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता है। एनिमल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, इसलिए उनका बॉडी पार्ट्स होता है, अलग तरह के होते हैं। लाइंस फॉर मूविंग एंड डिफरेंट वेज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस, और अलग अलग तरीके से वे लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एनिमल्स दैट फ्लाई, कैसे उड़ते हैं, most birds, bats एंड सम इंसेक्ट कैन फ्लाई, ये सभी उड़ सकते हैं। दीज एनिमल्स हैव विंग्स, क्योंकि उनके विंग्स होते हैं जो कि उन्हें उड़ने में मदद करता है। इंसेक्ट आर स्मॉल एनिमल, इंसेक्ट जो होते हैं छोटे एनिमल्स होते हैं और उनके 6 पैर होते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं वह पैर से वॉक करते हैं। मोस्ट इंसेक्ट जो होते हैं उनके विंग्स भी होते हैं और वे उड़ भी पाते हैं, और कुछ जो होते हैं जैसे कि लीज, बेडबग्स, इनके विंग्स नहीं होते हैं तो ये नहीं उड़ पाते हैं, तो इस कारण कुछ इंसेक्ट उड़ पाते हैं और कुछ नहीं उड़ पाते हैं। दे मूव वन क्रैवलिंग, और वे लोग पैर से चलते हैं, रेंगते हैं और लॉन्ग हाइंड लेग से हॉप करते हैं और कूदकते हैं। और इंसेक्ट लाइक वाटर बैट्स, बॉट मैन विच लिव इन वाटर, और ये इंसेक्ट जो है वह पानी में रहता है और इसके लेग जो होते हैं वह स्विम करने में ओर्स का काम करता है। द फोर लेम्स ऑफ वर्ड आर इन फ्रॉम द ऑफ विंग्स विच हैव टू फ्लाई,
बर्ड्स के विंग्स जो होता है वो उन्हें उड़ने में मदद करता है। विंग्स हैव फैदर्स, और उनमें विंग्स में फैदर होते हैं जो कि उन्हें हवा में उड़ने में हेल्प करता है, जो कि ब्रेस्ट बोन से ज्वाइंट रहता है। दिस मसल एबल टू बर्ड टू फ्लिप इट्स विंग्स एंड टू फ्लाई, और ये मसल से जुड़े होते हैं जो कि उसे पंख को फड़फड़ाने में और उड़ने में मदद करता है। अ बर्ड यूज टू हाइंड लाइंस व्हेन इट लैंड आफ्टर अ फ्लाइट, इट ऑल्सो यूज टू हाइंड लाइंस टू वॉक, लाइंस हिंड लाइंस जो होता है वॉक करने में मदद करता है, और फ्लाइट करने में भी मदद करता है। आगे है, हिंड लाइंस आर ऑल्सो यूज टू स्ट्रेच द ग्राउंड कैच द प्रेयर, और हिंड लाइंस जो होता है उन्हें ग्राउंड में स्क्रैच करने में, शिकार को पकड़ने में, दुश्मनों को अटैक करने में हिंड लाइंस जो होता है वो बर्ड्स का हेल्प करता है। बर्ड्स हैव विंग्स, सम आर अनेबल टू फ्लाई बिकॉज देयर विंग्स आर टू वीक, कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो उड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें उनके विंग्स जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, लाइक पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी, ये उड़ नहीं पाते क्योंकि इनके विंग्स जो होते हैं वह बहुत छोटे और कमज़ोर होते हैं, उनके बॉडी के जैसा कंपेयर में मजबूत नहीं होते हैं। आगे है, एनिमल्स दैट स्विम, एनिमल जो तैरते हैं, फिश जो होता है फिन्स के द्वारा तैरते हैं। द अनपियर्ड फिन्स मेंटेन बैलेंस एंड टेल फिन्स हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन, और फिन्स जो होते हैं वे उनके तैरने में बैलेंस को मेंटेन करते हैं, और पूंछ जो होता है वो डायरेक्शन दिखाने में मदद करता है, मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। इनका बॉडी शेप जो होता है वो उन्हें सपोर्ट करता है। सम बर्ड्स लाइक डक एक्सीलेंट स्विमर, बहुत अच्छा स्विमर होता है। सच बर्ड्स हैव वेब फीट, कुछ बर्ड्स के वेब्स फीट होते हैं जो कि उन्हें स्विम करने में हेल्प करता है। फ्रॉग को वेब्स फीट होते हैं जो कि उन्हें तैरने में मदद करता है। वेल्स जो कि समुद्र में रहता है। पेंगुइन स्विम विथ द हेल्प ऑफ फ्लिपर, और फ्लिपर के द्वारा पेंगुइन जो होता है वह पानी में तैर सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल हैव स्ट्रीम लाइन्स बॉडीज, और जितने भी तैरने वाले जीव जो होते हैं उनके बॉडी के किस शेप में होता है, स्ट्रीम लाइन बॉडी, मतलब हड्डी जो होता है वह हवा घुसा होता है हड्डी में, उस शेप का होता है, और आगे का भाग और पीछे का भाग पतला होता है, बीच में मोटा होता है, इसी को कहा जाता है स्ट्रीम लाइन्स बॉडी। टर्टल हैव फोर पडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर बैक टू स्विम, और टर्टल का जो फीड होता है वह फोर फीडल होता है जो कि उसे वाटर में पुश करके स्विम करने में हेल्प करता है। एनिमल टू मूव ऑन लैंड, कौन कौन एनिमल जो होता है वह लैंड में मूव करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, तब तक आप लोग उसको रीड करें। थैंक यू।